अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इनसाइट्स हब यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की जानब, जिसमें हम सीखेंगे कि कैनवा प्रो को हम किस तरह से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है कैनवा। जैसे मैंने टाइप किया कैनवा और यहाँ पे ये पहला ही लिंक आ गया कैनवा का। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। जब इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने पहले साइन अप करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हो तब भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से फ्रेश अकाउंट बना लेंगे ई मेल के थ्रू। अब यहाँ पे हम ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। ईमेल का इस्तेमाल करने के लिए टेम्प मेल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम एक टेम्परेरी ईमेल क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम जो है कैनवा को साइन अप करेंगे। जैसे ये क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो आपका नाम सजेशन में दे देगा। अगर आप अपना नाम यहाँ से चेंज करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ईमेल के ज़रिए टेम्प मेल के अंदर एक कोड आएगा, ओटीपी आएगी। आप उस ओटीपी को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया और यहाँ पे हमने क्या देना है, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने कंटिन्यू किया तो देखें ये हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है कैनवा का। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ कि ये जो अकाउंट बना है ये प्रो नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि अनलॉक कैनवा फॉर एजुकेशन, लेकिन हमने ये नहीं करना, हम यहाँ पे इसको प्रो में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही मैंने ये टाइप किया और ये यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे आ गए, तो देखो कुछ पिक्चर्स कुछ के ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर क्रोम का जो सैम्बल है, क्राउन का जो सैम्बल है वो नज़र आ रहा है। उस क्राउन के सैम्बल पे हम जब क्लिक करेंगे उस पिक्चर पे, उस थंबनेल पे, तो ये हमारे पास देख रहा है कि ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे फ्री में इस्तेमाल, नया टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बिंगो टिंगो, यहाँ पे लिखेंगे बिंगो टिंगो कैनवा प्रो। कैनवा प्रो लिखेंगे तो पहला ही लिंक आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, नीचे आ रहा है बटन डाउनलोड। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो होगा वो है डाउनलोड का ऑप्शन, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक मिनट का वेट करने के लिए कहेगा। आपने एक मिनट का वेट करना है। एक मिनट वेट करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे किसी भी जगह पे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो हमारे पास नया टैब ओपन हो गया, जिसमें ये गेट हेयर पे क्लिक करना है। गेट हेयर पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये कैनवा प्रो के अंदर हम चले गए। देखिए मैं आपको एक टेम्पलेट दोबारा से, वही वाला जो हमने पहले सर्च किया था, वही थंबनेल जो है दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। थंबनेल ये देखें, अभी जो क्राउन का सैम्बल आ रहा है उसी पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह मर्ज़ी चाहें। सारे इसके जितने फीचर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। अभी आपके पास जो अकाउंट है वो कैनवा प्रो का है, तो अब यहाँ पे इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पिक्चर देखें, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखें डिलीट कर दिया, दोबारा से ले आएंगे। इसी तरह से ये टेक्स्ट ये वाला। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदा मंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन भी
प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।